सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की ये कहानी परमेश्वर के एक सच्चे भविष्यवक्ता के विषय में है जिसने एक विधवा औरत के घर को उजड़ने से बचाया। उस भविष्यवक्ता का नाम एलीशा है। एलिय्याह नबी के स्वर्गारोहण होने के पश्चात जैसे ही उसकी सेविकाए एलीशा को मिली, उसके तुरंत बाद ही एलीशा ने बड़े बड़े सामर्थ और चमत्कार करने प्रारंभ किए। आज की ये कहानी उन्हीं चमत्कारों में से एक है। एलीशा नबी राजा आहाब और इजेबल के पुत्र योराम के समय यहूदा में परमेश्वर का एक सच्चा सेवक था। आज की कहानी का वर्णन दो राजाओं की किताब के 4:1 से लेकर 7 तक है। एलीशा नबी ने पिछले अध्याय में बड़े आश्चर्य कर्म करके 3 सेनाओं को बचाया था। एलीशा नबी अपने गुरु एलिय्याह के पद चिन्हों पर चल रहा था। तो आज के अध्याय में एलीशा ने एक गरीब विधवा के परिवार को बचाया। जैसे ही कहानी में एलीशा वापस इजराइल लौट आता है, जहां पर एलीशा के सभी सेवक एकत्रित होकर संगति कर रहे होते हैं। ये स्थान शायद गिलगाल या बेतल हो सकता है। उसके वहां होते हुए जैसे कि वचन 1 में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा के पास आई और उस स्त्री ने एलीशा से दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। उस स्त्री की कहानी बड़ी ही दुखद है। उसका पति जब जीवित था तब वह एलीशा के साथ रहकर उससे शिक्षा ले रहा था, क्योंकि उस औरत ने एलीशा से कहा था कि तू उसे जानता है। जब परमेश्वर के दास एलीशा ने उसके सूखे आंसू को देखा जो दुहाई देकर कह रही थी, हे प्रभु, तेरा दास मर गया है जो मेरा पति था, और उस स्त्री ने अपने पति की बड़ाई करके कहा कि तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। उसने अपने पति को एलीशा का दास और स्वयं को उसकी दासी भी कहा। लेकिन वह स्त्री एलीशा के पास क्यों आई थी? जैसे ही वह आगे बोलती है और एलीशा से कहती है, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो वह स्त्री कर्जदार होने के कारण एलीशा के पास आई थी। उसका पति एलीशा का चेला था और वह एलीशा से प्रशिक्षण ले रहा था। वह यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति भी था, तो वह कर्जदार कैसे हो गया? बाइबल से बाहर यहूदी परंपरा के अनुसार मान्यता है कि वह व्यक्ति राजा आहाब के समय ओबद्याह भी हो सकता है। 1 राजा 18:4 में ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों का नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा था और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। तो शायद इस कारण से उस पर कर्जा हो गया हो। परंतु ऐसा नहीं लगता कि राजा आहाब के घराने का दीवान एलीशा से प्रशिक्षण ले। लेकिन ये हो भी सकता है, क्योंकि ओबद्याह के विषय में भी लिखा है वह भी यहोवा का भय मानता था। हम व्यक्ति के नाम को छोड़कर यही कहते हैं, वह एक भला व्यक्ति था, लेकिन उस स्त्री पर तो जैसे दुखों का पहाड़ आ गया हो, क्योंकि कमाने वाला पति गुजर गया जो अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गया था, और इसके साथ ढेर सारा कर्जा। उसकी पत्नी उस कर्ज को देने में असमर्थ थी। वह बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रही थी। एक तो उसको अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करना तथा दूसरा उसे कर्जे का भी दुख था। बाइबल का समय आज के समयों जैसा नहीं था। उस समय एक विधवा को अपना जीवन यापन करना बहुत ही संकट भरा होता था। रोजगार के पर्याप्त मात्रा में ही साधन होते थे। जब उस स्त्री का परमेश्वर का भय मानने वाला और एलीशा के चेलों में से उसका पति मर गया, तब उसका दिल टूट गया होगा। उसके पति ने न केवल आमदन का किसी सहारे को छोड़ा, बल्कि वह उस परिवार को बुरी तरह कर्ज में डुबो कर चला गया। हम यह नहीं जानते ये कैसे हुआ, या उसकी कोई गलती थी या कुछ और समस्या थी। परमेश्वर के दास ज्यादा उदारता के कारण कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिसके कारण बाद में दुखद परिणामों को भी भुगतना पड़ सकता है। क्या पता ओबद्याह ने ही परमेश्वर के नबियों को उदारता के कारण खाने पिलाने में कहीं से कर्ज लिया हो और उसके मरने पर उसकी पत्नी पर कर्ज लौटाने का कोई तरीका ना हो। उस बड़े दुख के कारण उसके ऊपर एक और दुख आ पड़ा जब उसके पति का साहूकार उसके दोनों बेटों को लेने के लिए उनके घर आ गया।
ताकि वह उसके दोनों बेटों को दास के रूप में रखे और उसके दोनों बेटे साहूकार के कामों को करके अपने पिता के सारे कर्जे को उतारे। मत्ती 18:25 वचन में लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि साहूकार उसके दोनों बेटों को बेच देता और उसका कर्ज वसूल हो जाता, क्योंकि मूसा के नियम में भी इसकी अनुमति दी गई थी। इस कारण उन नियमों का हवाला दे देकर उस स्त्री को परेशान करता होगा। उसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं थी। शायद उसने धीरे धीरे उसके घर का सारा सामान ले लिया होगा। जब उस स्त्री के पास कुछ नहीं बचा तब उसकी नजर उसके दोनों बेटों पर जालगी होगी। तभी तो उस स्त्री ने अलीशा से कहा था वह कर्जदार उसके दोनों पुत्रों को दास बना लेगा। लेकिन वह स्त्री ऐसे व्यक्ति के पास आई थी जो सबकी सहायता करता था और वह इजराइल देश में प्रसिद्ध था। जब वह स्त्री अलीशा के पास आई तब उसने अपने दिल की बात खोलकर उसे बताई। उसने अलीशा से कोई प्रार्थना या विनती नहीं की थी, बल्कि एक प्रश्न अलीशा के सामने ही रख दिया था कि मैं अब क्या करूं। अलीशा भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार था, क्योंकि परमेश्वर के मन में विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष लगाव रहा है। भजन संहिता 68:5 में परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है। याकूब की पत्री 1:8 में हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। अलीशा ने उस स्त्री से ये सुनने की प्रतीक्षा नहीं की कि वह क्या करे, बल्कि अलीशा ने उसको ही बता दिया कि उसे क्या करना है। अलीशा ने उस स्त्री की बातों को सुनकर उसे यह कहना शुरू किया और उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे ये बता कि तेरे घर में क्या है। उस स्त्री ने दुखी होकर अलीशा को उत्तर दिया, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। ये हांडी शब्द इब्रानी भाषा में सबसे छोटे बर्तन की ओर इंगित करता है, इसलिए स्त्री के पास सबसे छोटे बर्तन में थोड़ा सा तेल था, जो कि उस स्त्री ने परमेश्वर के दास को बिल्कुल सच बता दिया। जैसा कि हमने पहले बताया कि साहूकार ने धीरे धीरे करके उसके घर से हर एक सम्मान को कर्ज के बदले में उठाता रहा होगा, इसलिए उस स्त्री के घर में कुछ भी सामान नहीं बचा था, केवल उसके पास थोड़ा सा तेल बचा था। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ उसके पास हो वह उसका ही इस्तेमाल करे। परमेश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जब परमेश्वर हमारी थोड़ी सी चीजों के बीच में मौजूद होता है तो वह उनको अनंत और असंख्या कर देता है। तब अलीशा ने स्त्री से कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, किंतु थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। अलीशा के कहने का तात्पर्य ये था कि जब तू अपने घर जाए तब अपने आस पड़ोस के सब लोगों से छोटे बड़े सब प्रकार के खाली बर्तन इकट्ठे कर लेना, और साथ में उसे यह आज्ञा भी दी गई कि थोड़े बर्तन इकट्ठे मत करना। अगर हम अलीशा की बातों और उसके निर्देशों को देखें तो अलीशा ने उस स्त्री को अजीब प्रकार के निर्देश दिए थे। वह स्त्री अलीशा के निर्देशों का विरोध कर सकती थी और अलीशा को जवाब देकर कह सकती थी कि मुझ पर और मेरे बेटों पर दुख आया पड़ा है और ये हमें पड़ोसियों के बर्तनों को इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है। परंतु स्त्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। अलीशा ने उसको एक और निर्देश दिया था कि द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो जो भर जाए उन्हें अलग रखना। कई बार हमें परमेश्वर की आज्ञाएं समझ में आती हैं और कई बार नहीं आती हैं, लेकिन जैसे हमें जो परमेश्वर आज्ञा देता है अगर हम उसी प्रकार से करते रहे तो परिणाम हमेशा अच्छा ही निकलता है। तो क्या उस स्त्री ने अलीशा भविष्यवक्ता की सारी आज्ञाओं को माना? तो आगे कहानी में देखेगी कि उस स्त्री ने क्या क्या किया। तब वह उसके पास से चली गई। स्त्री और उसके दोनों बेटों ने पड़ोसियों के खाली बर्तनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनका घर खाली बर्तनों से भर गया जिसमें छोटे बड़े सब प्रकार के बर्तन मौजूद थे। तब उस स्त्री ने जैसे अलीशा ने उसको आज्ञा दी थी उन्होंने अपने घर का द्वार बंद कर लिया।
स्त्री और उसके बेटों को आगे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वे तो वही काम कर रहे थे जिस प्रकार से उन्हें आज्ञा दी गई थी। उनको नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म उनके जीवन में होने वाला है। शायद अलीशा इसे एक व्यक्तिगत और निजी चमत्कार बनाना चाहता था। द्वार बंद करके स्त्री ने हांडी वाला तेल अपने हाथों में लिया और वह एक एक करके सब बर्तनों में उड़ेलती गई। उन तीनों का आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह थोड़ा सा तेल बहता ही जा रहा था और उन सब बर्तनों को भरता जा रहा था, लेकिन वह तेल तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब तक उसके बेटों ने खाली बर्तनों से मना नहीं किया, जैसे ही उस स्त्री ने अपने बेटों से खाली बर्तनों को मांगा, तब उसके बेटों ने कहा और खाली बर्तन नहीं है, तो उसी समय ही तेल का बहना बंद हो गया। जब तेल बहना बंद हो गया, तब वह स्त्री दोबारा फिर परमेश्वर की आगवाई के लिए परमेश्वर के दास अलीशा के पास पहुंच जाती है। वह उसको सब बातें बताती है और अलीशा ने उस स्त्री से कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। बाइबल की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, परंतु आगे हम समझ सकते हैं कि उस स्त्री ने क्या क्या किया होगा। स्त्री ने उस तेल को बेचकर अपना सारा कर्ज उतार दिया होगा और अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीना शुरू कर दिया होगा। जैसे परमेश्वर ने इस स्त्री के परिवार की सहायता की, उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी हमारी सहायता कर सकता है, बशर्ते हमें ये देखना है कि हमारा जीवन उसके साथ कैसा है। क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? अगर नहीं, तो आज ही अपने आप को गलत कामों से दूर करें और उस पापमय जीवन